आपका स्नैक टाइम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स ऑफ उनके प्रयोग में आज हम करेंगे विशेष प्रकार के स्टेप, कॉपर स्टीम स्टेप और बॉटम राउंड स्टेप क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं एंड स्टेप की कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या पढ़ेंगे, विशेष प्रकार के स्टेप एंड कॉपर स्मिथ स्टेप और बॉटम राउंड स्टेप। ठीक है, फिर इनका उपयोग, फिर स्टेक की देखभाल। ठीक है, ये हम इन चीजों में इनका बारे में हम आपको बताएंगे किस चीज में, कॉपर स्मिथ स्टेक और बॉटम राउंड स्टेक में एंड इनका विशेष प्रकार के स्टेक एंड इनका उपयोग और स्टेक की देखभाल हम आपको इनमें बताएंगे। जो कॉपर स्मिथ स्टेक जो होता है, ये हमारा स्टेक या डिजाइन इस प्रकार का होता है, जो ये दो अलग अलग ट्रांसप्रेस दो इंच किनारे होते हैं। किस तरीके से होते हैं, विभिन्न सरल क्रियाओं के लिए अनेक प्रकार की स्टेक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह वित्तीय रूप से भी उचित नहीं होता है। इसलिए जहां तक संभव है आर्थिक रूप से ऐसे औजारों का प्रयोग उचित रहता है जिनमें एक ही स्टेप से अनेक कार्य किए जा सके। इसलिए ही कॉपर स्टीम स्टेक और बॉटम राउंड स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्या, कॉपर स्मिथ स्टॉक, फर्स्ट है हमारा कॉपर स्मिथ स्टेक। Thank you.
डिजाइन 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 इस प्रकार होता है कि इसका इस प्रकार होता है कि इसमें दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के दो एज किनारे होते हैं इसका एक एज वर्गाकार जबकि दूसरा कवर होता है इसे इस स्टेप को तीन मेंस एलवी भी कहते हैं इसका प्रयोग सीट मेटल सीट मेटल की बेंडिंग सीट मेटल की बेंडिंग फ्लेंजिंग स्ट्रेट एज और कवर्ड एज पर वायर्ड तैयार करने के लिए करते हैं यह स्टेप मीडियम कार्बन स्टील की ओर इसका केस बाहरी सतह केस हार ठीक है।
ये देख लीजिए, ये जो हमारा प्रॉपर स्पिन स्टेप है इसमें क्या होता है, ये जो स्टिक का जो डिजाइन इस प्रकार से होता है कि इसमें दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के दो एज किनारे होते हैं, इसका एक गेज वर्गाकार जबकि दूसरा कवर होता है। इस स्टेप को टीन मैंस एनविल भी कहते हैं। इसका प्रयोग सीट मेटल की बेंडिंग फ्लेंजिंग एंड फ्लेंजिंग स्ट्रेट एज और कवर्ड एज का वायर एट गेज तैयार करने के लिए करते हैं। फिर यह स्टैक मीडियम कार्बन स्टील की और इसका केस भारी सतह केस हार्ड होती है, ठीक है।